नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं अंबरा आपके साथ। और बढ़ते हैं खबरों में आगे। जहानाबाद जिले के भिलावर ओपी बढ़ौना गांव में पूर्व मुखिया के घर डकैती हुई। बताया जा रहा है कि चोरों ने घर में घुसकर पत्नी को मार पीट कर घायल कर दिया और लगभग लाखों रुपए के जेवरात चुरा ले गए। पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज के लिए पटना PMCH भेजा गया है। बता दें कि इस वारदात के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई है। जी, जहानाबाद के पूर्व मुखिया के घर में चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि जब मुखिया घर में नहीं थे, उनकी पत्नी को मार पीट कर चोरों ने घायल कर दिया और वो बेहोश कर लाखों के जेवरात चुरा ले गए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, हालांकि अभी तक इसमें कुछ अपडेट हमें नहीं मिल पाया है। बेतिया के परसौनी क्षेत्र में आदमखोर बाघ के आतंक से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। आदमखोर बाघ को पकड़ने की सारी कवायद की जा रही है, लेकिन वो पकड़ से बाहर है। वहीं गांव के दौरे पर आए वन विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। एकदम अभी तो हम लोग अब लगातार हमारे पूरी टीम लगी हुई है, सभी लोग, सभी रेंज ऑफिसर्स, हमारे पूरे DFO भी लगे हुए हैं, हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं, अच्छा ये WWF से भी हमारे डॉक्टर कमलेश के मौर्या जी भी हैं जी। और इस तरह से सभी, हमारी पूरी टीम लगी हुई है और इसको तो एकदम प्रायोरिटी है। सहरसा के सलखुआ थाना क्षेत्र के पूर्वी कोशी तटबंध के भीतर दो गुटों में गैंग वॉर हुआ, जिसमें कुख्यात अपराधी मौसम यादव की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक का आपराधिक इतिहास रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। ओहो, बताइए ना भाई, क्या घटना घटी? मौसम यादव है, विकास वर्गीय सुभाष यादव, साक्षी करहरा, तिरैया ओपी, थाना सरसा, जिला सहरसा। अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा ग्राम ताजपुर में हत्या की गई। वहां बैठक है बम सिंह का बैठक। छपरा के कोपा में NH-85 पर सड़क दुर्घटना में ऑटो चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिकअप और ऑटो के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने NH-85 को जाम कर हंगामा किया। सीतामढ़ी जिले के भतनाहा क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में DSP कार्यालय में तैनात मुंशी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुंशी संतोष कुमार पासवान पुलिस लाइन से अपने घर जा रहे थे, इस दौरान उनकी बाइक और अनियंत्रित ऑटो की टक्कर हो गई। वह घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हेलो, संतोष कुमार सिपाही, SDPO ऑफिस सदर सीतामढ़ी के ऑफिस में काम करता था। ऑफिस से निकल के गया है, इस काम से गया, उधर से लौट रहा था, सुन बरसात पर तो इसी में उसका एक्सीडेंट हो गया है। कैमूर के भभुआ में स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सिंह की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान 100 मरीजों का मुफ्त में आंख का ऑपरेशन करने के साथ ही निशुल्क दवा भी वितरण किया गया। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सिंह के पुत्र ने बताया कि इस दिन हर साल 100 मरीजों का आंख का ऑपरेशन मुफ्त किया जाता है। आज बाबूजी का पुण्यतिथि है, श्री लक्ष्मी सिंह का, और इस अवसर पर हम लोग हर एक साल 100 लोगों को आँख का ऑपरेशन करते हैं। उनको कंबल, खाना, चश्मा सब फ्री में देते हैं। गया के शेर घाटी में पासवान उत्थान मंच ने एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कहा कि निचले स्तर के लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए और आर्थिक मजबूती के साथ समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए विशेष पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि पासवान समाज में आर्थिक मजबूरी के कारण जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उन्हें विशेष तौर से शिक्षा दिलाई जाएगी। उनसे पहले हमारे इसका बस यही उद्देश्य है कि पासवान समाज जो वर्षों से पिछड़े है, अभी भी इनके घरों में शिक्षा की लौ नहीं जली है, इस
घर घर तक पासवान समाज में शिक्षा की लौ को जगाने के लिए, सभी पासवान जातियों को शिक्षित बनाने के लिए, संगठित करने के लिए ये कार्यक्रम। सुपौल में दर्जनों भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि अनपुर रंगदारी मांगने का आरोप है, लेकिन गिरफ्तार आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मंत्री विजेंद्र कुमार यादव के पीए विनोद कुमार भगत ने फर्जी कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए गबन कर लिए। इसका खुलासा करने पर साजिश के तहत जेल भेजा जा रहा है। चुनाव लड़ने के बाद उनके चुनाव में अनियमितता बढ़ती गई थी। मैंने पटना उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है कि कोसकी भवन बीरपुर में लगभग 7 करोड़ रुपये का फर्जी गोदरेज कंपनी का माल सप्लाई हुआ है। उसमें माननीय मंत्री के पीए विनोद भगत जी और गोदरेज कंपनी। कैमूर के बिछिया गांव में शौच के लिए निकली महिला के साथ अपराधियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। वह इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिले के एसडीपीओ रघुनाथ सिंह ने बताया कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दांत में लगे थे, हाथ पकड़ लिए थे, मैंने चप्पल से मारा और मेरे साथ एकदम दोनों लोग पट के किचड़ा मिचड़ा कर ले थे। हमारा चेक बंद हो गए, जब पटक दिए तब उसको दर्द मुझे। शादीशुदा औरत है, टहलने के लिए अपने गांव से बाहर गई थी तो पंचलिखी जो सड़क है उसी सड़क पर टहल रही थी तो 4 लड़के पहले से ही बैठे हुए थे। चारों ने इसको देख कर अकेला उसका पीछा किया और उसके साथ 2 लड़कों ने बलात्कार किया और 2 लड़के देखते रह गए थे कि आदमी। सरस्वती पूजा को लेकर बाजार सज चुके हैं। झाझा सहित अन्य बाजारों में सरस्वती पूजा को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। वहीं सरस्वती पूजा कमेटी के सदस्यों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस बार सरस्वती पूजा काफी धूमधाम से मनाई जाएगी। आपको बता दें कि सरस्वती पूजा और पैक्स चुनाव एक ही दिन हो जाने के कारण कई चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से लगातार भीड़भाड़ और जाम की स्थिति बनी हुई है। क्या नाम है? सीताराम कुमार। झाझा बाजार है ना? जी। फल की बिक्री कैसी है इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा? कुछ कम है। कुछ कम है, मतलब कोरोना के कारण सरस्वती पूजा कम बैठाया जा रहा है इसलिए इस बार बिक्री कम है। 35-30-40 रोजाना जो रेट। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहे नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।